राम राम जी भाई सारे ने, हम सारे भाई आ गए अपना गाड़ी में। विपुल भाई, प्रखर भाई, उत्तम भाई सो रहे हैं, रोहन भाई। तो रोहन भाई हमने बेड़ा से लिया जाएगा क्योंकि अमन जो हमारा दोस्त अभी से उठा नहीं, सो रहा। ब्लॉग देख रहे हो भाई तो उसे कह रहे टेम्पोट जाग रहे, तेरी मम्मी सही कह रहे तू सोता रहे। तो अभी अपना हम एक्सप्रेस वे पे हैं, चल रहे सीधा, और हम जा रहे हैं मथुरा, और यहाँ से है मथुरा 125 किलोमीटर मथुरा वृंदावन। विपुल भाई, हाँ भाई बोलो। राधे राधे। राधे। तो रात हमारे विपुल भाई के साथ एक हादसा हुआ था, आप बताना चाहोगे? चलो आगे बताएंगे हम। तो अभी हम चलते हैं अपना प्यार से स्लोली स्लोली, अभी 100 की स्पीड चल रही है गाड़ी, एवरेज दे रही है 20 का, ठीक है जी। चल दो आगे, चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। और व्लॉग अच्छा लगा अगर हमारा तो लाइक करो ना, सब्सक्राइब करे ना। जेड ब्लैक। तो अभी हम सारे भाई रुक गए हैं जेवर, जेवर में एंट्री हुई है भाई रोहन, विपुल भाई, प्रखर भाई, उत्तम भाई और अपनी बाबू। अभी लाइट जल रही है, मैंने की फोटो वोट खींचेंगे, उतरे लाइट ही बंद होगी। भाई ने कहते थे सूरज निकल रहा है, मैंने सूरज आ गया। अच्छा दस में लगाओगे? शेर 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 कहते शेर। शेर या तो अलग हूं ऑडियो ने यार, छोटी गंगा बोल के नारे में खुदा दिया। तो ऐसे चलते रहे, वैसे मजाक में अपना आराम से पहुंच जाएंगे। चलो चले भाई, अब थोड़ा रुक गए, अब आगे चल के चाय वाय पियेंगे, बिस्कुट चाय। चलो प्रिंस भाटी ब्रिजेश भाटी भाई, हम भी लोग बनावे कह दो, लाइक कर दो। धन्यवाद। भाई का क्लब का युवा मोर्चा ऐसे लिख जाएगी। ओके चलो फिर। ये देखो बकरी कौन सी बोली। चलो आगे चलते हैं, अपना टैग तो कटवाया ना, अंदर रख रहा होगा, निकाल दी गाड़ी। चलो राम राम भाई। अरे ओखला ले बेटे तुम्हारे तो नींद में। प्रिंस वाटी मैसेज आया होगा, प्रिंस वाटी बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ युवा मोर्चा। चलो वृंदावन पीछे टोल से आ रहे। प्रिंस वाटी 55-56 गाड़ी। प्रिंस वाटी तलपता खुला है हमारे रोहन भाई, रोहन भाई
गंदी मैं बता रहा हूँ सारे टूलन ने तोड़वा दूंगा। चलो ठीक है, अब आगे अपना रहेगा मथुरा वृंदावन 20 किलोमीटर दूर। हम चल लिए हैं 100 किलोमीटर चल लिए हैं, और अभी आगे जाकर हम थोड़ा चाय पियेंगे, फिर उसके बाद मिलेंगे तब आगे, या फिर डायरेक्ट हम मथुरा वाले वहीं मिलेंगे, वहीं चाय पियेंगे, है ना भाई? मथुरा ही उतर गए तो चलो आगे। कोई दिक्कत ना, देखते रहो और जिंदगी भर हंसते रहो हमें देखते रहो और हंसते रहो और हंसाते रहेंगे हम। तो ये आगे जब अपना मथुरा वृंदावन यही कट है यहाँ उतरने का, ठीक है जी। अब यहाँ रेस्टोरेंट तो यहाँ कुछ खा लेंगे, क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। और देख रहे हो तुम गाड़ी कितनी प्यारी लगी है, चलती हुई मीटर भी है ना, इस मीटर को नहीं बदला पाता मैं तो कितना बुरा लगता मीटर, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अरे थोड़ा गलत आ गया मैं, इधर को चलना है सामने यहाँ फूड स्टॉल है, बहुत कुछ है, रेस्टोरेंट भी है, पिज़्ज़ा हट भी है, कोस्टा भी है, सबवे भी है, तो स्टारबक्स भी है यहाँ पे। तो अपनी गाड़ी हर बार की तरह यहाँ ही पार्क करेंगे, ऑलवेज सी चढ़ा देते हैं, स्टारबक्स पीछे वाले पे भाई जेवर पे है, क्योंकि यहाँ पे ना। तो चलो भाई आ जाओ नीचे। ओहो कितना अच्छा लग रहा है उस तरह का, आ जाओ। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी, नंबर में दिखाऊंगा नहीं, गाड़ी का नंबर ध्यान देना मेरे। हेलो लो भाई के दो फोन, भाई के बोले स्टार्ट जेड ब्लैक किसी से गड्डी काली रख रहे है भाई, है ठीक है नंबर तो आ रहा है। चलो तो चलो कुछ खावे पिए, चाय वाय पियेंगे, फिर वाक बात चलेंगे। उरे उरे अरे कौन खड़े सामने, सर खड़े सर ऐ चुप रहे चल कहते हैं चुप रहे। तो उन लोग चलो नहीं गए, थोड़ी मिलेगी चाय, उन्हें मिलेगी तो चाय पीते चल के। हाँ चलो आए भैया, मैं रेस्टोरेंट पर लेकिन ये खुला ही नहीं है, अभी टाइम लगेगा तो चलो फिर आ जाओ उत्तम भाई, अब सीधे पियेंगे चाय मामा ढाबे पे। आ भाई किसके मामा का ढाबा? मामा ढाबा ना, मामा ढाबा भाई बहुत तगड़ा ढाबा है, चलते हैं सच में। चलो चलते हैं मामा ढाबे पे, वहीं चाय पियेंगे अब, लेट्स गो अगेन भाई। चलो भाई बैठो बैठो बिल्कुल भाई, सिर से लगाओ खिड़की। तो चलो जी अपना गाड़ी मोड़ लो, आगे रुकी मोड़ो पीछे से मोड़ लो, आगे कुछ गई ना है। ये है भाई फॉर्चुनर वाला जो डीपर दे रहे हैं, कहाँ नंबर है यूपी से ले आया। तो बस अपनी रोड सो, ये भी वृंदावन आए भैया, ये भी 3273। रोहन भाई कहा दिन ऐसे फॉर्चुनर में भी आएंगे लेके, पर जेड ब्लैक आएंगे वहाँ भी फॉर्चुनर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लो ये राइडर भी आ गए दोनों भी। चलो जी यहाँ से कट सू तरक है, अपना लेफ्ट हैंड साइड को ले लोगे ना, यू नीचे कर जा रहा अंडर पास कर, यहाँ सीधा ही पहुँच जा। दो रास्ते, एक तेरा वाला रास्ता और रोहन आगे जो उतरा है अंडर पास में, अगर एक ही हुआ वो तो ही सही लगा है, क्योंकि अंडर पास छोटा सा पुराना वैसे का दिन टूट फूट के गिर गया नीचे तुम नक्शे में, तो बस इसलिए अपने ऐसे रास्ते चलो जहाँ मजा आवा जाने में भी सेफ रह, ये सबसे बेस्ट है यहाँ से जाना चाहिए। गाने वाने बज रहे हैं लेकिन अभी तो मैंने सुनाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं सुनाएंगे तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। वैसे भी देखो बढ़िया मौसम हो रहा है, देख रहे हो क्या धरती से धरी अंबर लीला, तिरंगा बन रहा तिरंगा फ्लैग। चलो जी आगे जिप्सी जा रही है, जिप्सी से बचते हुए क्योंकि हमें बहुत डर लगा है अभी भाई। हाँ मैं हम जब से यही घबरा रहे कि भाई बस जिप्सी ने मिल जाए भाई, वरना हम वापस चले जाएंगे। मट्टी खोद रही है, हाँ मट्टी खोद रही है, ले जा रही होंगे कुछ को हमको घर भर गए। अब देखो कहीं टपरी पपरी पर चाय पिया है तो फिर यू है कभी स्वाद ना बना हुआ, तो सीधे चल रहे मोहम्मद ढाबे पे ही हमें चाय पी लेंगे, हाँ ना मिलेगी तो फिर वापस ही आप आ जाएंगे, या आगे भी एक रेस्टोरेंट वहाँ पर अंदर भी रहेंगे। बढ़िया बढ़िया खैर ये तो बात है, लेकिन चलो जब तक भाई तो आगे जी हम अपने मामा ढाबे पे, रोहन के मामा का ढाबा भाई, उत्तम कह रहा है ऐसे मैं नहीं कह रहा, रोहन देख रहा देख रोहन के मामा का ढाबा, तो यू अपना मामा ढाबा, अब यहाँ चाय पियेंगे अंदर चल रहे। सही से लगा देख रहा, खिड़की तो लगा दो भाई, हम मान रहे हैं आप साहब हो लेकिन खिड़की भी लगानी होती है। हाँ ये तो धमका है, देखो टपरी डोली चाय वाला ना रोहन चाय वाला। चलो अंदर चेक कर ले पहले चाय है ना है, फिर आएंगे बाहर को। चलो जी भी सर पूछा चाय है नहीं है,
ये देखो ये क्यों भाई क्यों मारा यार हमारा लौंडा इतने बड़े लौंडा देख कैसे देख रही है गाड़ी हाँ दो अभी और तुम्हें दिखाऊंगा हाँ तो बच्चों अटेंडेंस बोलो प्रेज पार्टी श्रीवत्ता प्रेजेंट रोहन भाटी प्रेजेंट रोहन भाटी प्रेजेंट रोहन भाटी प्रेजेंट सब प्रेजेंट है सत्तू नरेश ये कौन है तभी बोल रिस्का पूनम कुमारी पूनम कुमारी कहाँ है वो मामा लिख रहा है जहाँ तीन रुपये अभी तो ऑर्डर लेके गए 5 मिनट पहले आपसे क्या चीज़ का ऑर्डर लेके गए पते जो भी लेके गए सामने ऑर्डर लेके गए मैं ऑर्डर वहाँ भी दे पाया टाइम नहीं दिखाऊँ क्या ऑर्डर है हमारी चाय चाय 250 रुपये चाय भी लेकर नहीं पड़ेगी आपने बिल कटा के बैठे जेब में बिल कटा के आप जेब में बैठे ना उन्होंने बोली कि वहाँ से अपने आप दे देंगे बताओ ना फिर कि ले लो मैं या तो बंदे को उसको बिल दो अभी पर्ची तो काट के भी पता ही नहीं ले भाई चाय बेकार है इतनी भी फैसिलिटी फैसिलिटी वैसे ऐसी ही है जैसे भी है कोई ना आना क्या है बताओ चाय भी खुद लानी पड़ रही है दोनों ना बुलाऊं ना देखो किस लड़के दे रहे हो गया है ना कोई ऑर्डर आपका ऑर्डर लेके गया ना कोई बंदा चाय कौन लेता है आ जाएगी आपकी पता ना कहाँ फैसिलिटी है होटल है ढाबो यहाँ से बड़े ढाबे पे हो जा कोई दिक्कत ना आया कह रुपये की 150 रुपये की टाइमिंग देख रहे हम कहाँ टाइमिंग में रहती ना मैं ना होती है 6:51 का चलो कोई ना कर मैं मंगा में जैसे लाएंगे चाय पा लिया तो अपनी 2 प्लेट ताजी पूरी अभी हमारी रह रही है भाई भी पुल की रह रही है नहीं इसकी नहीं रही ना खा रहा रोहन की रह रही है और मेरी रह रही है चलो आने दो तब देख लो जी क्वालिटी है दिखाइए पूरा पानी है पूरा चुहा हुआ है चल कोई ना तेल तो अच्छा हो खा जा पते ना यार कहाँ देख हो जाए चाहिए खाएंगे जब पते कोई बात नहीं खाओ ना थोड़ा अच्छा है खाने बात बच रही एक आध पूरी हो जावे कोई ना बात नहीं भाई ये वाली प्याज ला दो एक्स्ट्रा भाई चाय और नहीं है पर्ची दे 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 भी मंगा रहा हो चाय चलो खाओ यार अपना आगे अपनी चाय लेगा बाहर अपनी गाड़ी पर रख देंगे चाय है और अपना मजे से सुप सुप करके पियेंगे वो भी आगे सारे देखो बिखेर भी दी अरे रोहन कोई नहीं चलो आन दो सब विपुल अभी आई रहो मैं हाँ कह रहा मन्ना पानी पियो ना भाई उत्तम मेरे सामने पानी पी रहे भाई वो पी रहे अरे मन की उत्तम बता दे दो तो चाय पीनी चलो कोई ना तो अपना चाय वाय पी ली सारे भाई ने चले अब चाय भी निकालो चले विपुल भाई बैठो अरे चाबी तो ये आगे जी अपना जमुना जी के पुल पे है रोहन भाई हाँ जी भाई तो ये अपना नया रास्ता बन रहा है इधर से जाने का ये बहुत पुराना है ये शायद बंद कर देंगे अभी डायरेक्ट बनाएंगे रास्ता जाम ख़त्म कर देंगे मतलब भीड़ भड़ा का जो था ये रही देख लो ये सब शीशे तार बिल्कुल भाई अपना ये देखो कर लो जी अपना हाथ जोड़ लो घर से और करो दुआ कि अगली बार आएंगे जमुना में ही आगे गंदी हो रही है सब साफ हो साफ तो हो जाएगी या ना होगा पता नहीं बहुत लंबी चीज़ है ये साफ होना चला दो भाई सी सही चल रहा तो चलो जी अपना धीरे धीरे चल रहे हैं वृंदावन में आने वाले हैं आगे से परिक्रमा मार्ग हो जाएगा स्टार्ट वृंदावन का दिखाएंगे आप देखो ऊँट मथुरा वृंदावन के ऊँट रेगिस्तान के जहाज बोला है पापा जी ने ऊँट देखे वाक रेगिस्तान के जहाज है भी अभी तक नहीं जा रहा हूँ
वो उठी बोला तुझे हाँ। तो क्या लीटर पानी कर ले तू अपने अंदर 50 50 हाँ, ऊंट से एक दिन ज्यादा चलाता है। अच्छा ऊंट के चले 3 दिन ऊंट। अरे क्लास में जो स्पोर्ट्स टीचर थे स्कूल में सब घोड़ा बोलते। तुम ऊंट हो घोड़ा हो क्या हो? क्या हो तुम ये बताओ। इंसान तो नहीं। चलो तुम खुद कंफर्म कर लो। तो यहाँ से अपना शुरू हो जाता है जी परिक्रमा मार आगे। चलो रोनी हंसी चलो यही अपनी परिक्रमा भी लग जाएगी हंसी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। मेरी आवाज बहुत वैसी आवे फोन में लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी आवाज पतली करने के लिए। तो अब मेरी आवाज पतली आ रही होगी आप सभी को। वैसे मैं ऐसा बात करूँ वैसा बात ऐसा करूँ और रोहन भाई राधे राधे। चलो जी चलते हैं। तो जी हम आगे अपना प्रेम मंदिर वाले रास्ते पे। ये रहा प्रेम मंदिर अपनी सीधे हाथ पे थोड़े सी आ गए सीधे हाथ पे। तो यहाँ पे सारे बहुत से और भी मंदिर है। तो अभी हम अब का दूसरे होटल में रहेंगे। हर बार हम पीछे होटल रुके करें लेकिन इस बार हम रहेंगे आ गए एक और होटल है बढ़िया था उसमें। ठीक है जी चलो दिखाता हूँ आपको। तो मैं अच्छा लगा था अपना वहाँ रुक जाकर जो आएगा चलते अभी। तो ये रहा जी अपना प्रेम मंदिर और रात को दिखाएंगे जी कैसा रहा कितना अच्छा लगता है कितना प्यारा लगे मंदिर बहुत प्यारा बहुत अच्छा। अभी गेट से देख सको तो कितना अच्छा लग रहा है। खूब फोटो खींचो तो आने के बाद वीडियो बनाएंगे हम क्या। ठीक है राधे राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और तो मैं आज एक चीज़ बताऊँ अगर तुम यहाँ से प्रसाद लेकर जा रहे हो ना तो भीतर मत वहाँ से लो बाके बिहारी से मत कहीं और से लो प्रेम मंदिर से प्रसाद लो ओरिजिनल प्रसाद और बढ़िया प्रसाद मिले ना भाई। पिछली बार ले गए हम अच्छा प्रसाद मिला है। भीतर जो है वो मिलावट कर रखे हैं उनसे मत ले करो यहाँ से ले करो। और फिर अपना रात को 3 बजे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन भी करेंगे और देखेंगे अगर आज टिकट मिल जाएंगे तो फिर तो अच्छी बात है। अगर आज टिकट मिल जाएंगे हमें तो फिर उनके आश्रम में ही सीधा दर्शन होंगे जी महाराज जी के। अभी चलो यहाँ से चल दो धीरे धीरे थोड़ा जाम सा तो लगा रह रहा है क्योंकि बंद दोनों रोड भरे हुए छोटे छोटे फायर साइड फुटपाथ है ना जी। इसी गली में तो इसी गली में चलते हैं अभी। यहाँ से चलो गाड़ी लेकर अंदर। एक यहाँ होटल का तो बहुत ज़्यादा पैसा आया मैं पूछ रहा पहले जब हम फैमिली के साथ आए इतने पापा मम्मी बहन भाई। तो अभी अंदर अरे बहुत ज़्यादा इसके तो 3,000 रुपये पूछे अंदर है। मैंने देख रहा कि होटल बहुत बढ़िया होटल पार्किंग भी आएगी उसकी और वैसे भी सपोर्टिव को जनरेटर भी आ गया जैसे लाइट भाग जा रहा था। अब तुम देख लो रास्ते में तो मैं अमर ही दिखा रहा हूँ कि फिर कभी नूगा रास्ता कहाँ आया होटल कहाँ आया। और अरे बच्चे आराम से इधर आश्रम भी बहुत है सारे ये वहाँ तक आश्रम है। फिर आगे से जाके लेफ्ट लेफ्ट से फिर राइट हैंड को राइट फिर कॉल लास्ट में जाके है वो होटल चलते हैं। फिर देखते कितने रुपए लेते हैं। अभी तो वैसे कम ही होंगे क्योंकि जब ज़्यादा वेयर है ना तिवारी जब ज़्यादा कर दिए पैसा। अभी तो नॉर्मली रेट चल रहे खैर इनके कोई नहीं चलते हैं देखते हैं। महेश राजपूत किसकी है परकरार की परकरार की सैसी पैसी मत कह रहे तो रंडा भाई नाम मत बिना डेगर आगे। चलो जी देख लो अब ठीक है यहाँ से लेफ्ट लिया आगे जाके राइट ये पानी भर रहा पते ना यहाँ अच्छा ना पानी ना पह लिया यहाँ से मुड़ जाओ राइट और 2 होटल है मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। अरे दोस्तों थोड़ी सी नाली वाली आ गई रास्ते में तो हम रास्ता जाओ तो फाइनली निकल चुकी है गाड़ी। अरे स्लिप मार रहा खोलियो अरे हटे है ना हटे चश्मे उसने पैर के स्टाइल मार रहा हूँ थोड़ा रास्ता खराब है भाई पहले भी खराब है लेकिन जब हम पर ब्रेज आई तो निकाल दी लेकिन उल्टी इधर वाली राइट हैंड साइड से निकल जाती कार लेकिन कोई नहीं
अगर वो मैंने फिर से लगा उत्तम अपनी चिटकी, अगर वो मैंने कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ना, उधर से निकल जाएगी क्योंकि वो डेली बैठे हैं, उन्हें पता है। देखो एक तो होटल ये है, इसका थोड़ा ये है कि इसके अंदर बंद है ही पूरा, तो घुटन घुटन सी होगा कमरे में, लेकिन इसकी पार्किंग भी है कि बाहर ही, यहाँ खड़ी हो जाएगा गाड़ी, तो शिफ्ट मैंने यहीं खड़ी करी ही। पिछली बार शिफ्ट सी आया हमें, हाँ शिफ्ट शिफ्ट सी आई है, जब जेड बिल आएगी जब भी हूँ, जब मैं पापा आया, लेकिन जब लोग नंबर आया जब निकाल ली मैंने हंसू तो ना शिफ्ट सही। तो ये है अपना होटल, एक होटल जो ये बढ़िया है, अभी लगा के गाड़ी देखते हैं क्या क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है जी। तो अपना होटल ही हुआ, अच्छे देखते हैं रूम वूम खाली है नहीं है, पूछे भाई सुन, रूम है भाई अवेलेबल? अब किस टाइम होगा? 11 बजे। फोटो देख ले भाई, डबल बेड मैं देखगा आपके यहाँ पे पहले भी देख रहे हूँ, मैं रह के गया हूँ। ये तो 4 बेड है। हाँ ये आ गया डबल बेड, इससे तो 5 लोग नहीं होंगे, 3 लोग अलाउंगे, तो 4 बेड आपको। 4 बेड सिस्टम है, नंबर प्लेट नहीं है, तो नहीं दिखाना होता। सुने एक बार वावाले में चेक करें, वावाले में चेक करें, आज चेक करते हैं, आ जाओ। ले तो गाड़ी भी अपनी खड़ी कर दी फिलहाल, अभी चल रहे हैं उधर। रोहन कह रहा है भाई उस होटल को भी देख लो, ओए हॉस्पिटल है ना, होटल ही है, होटल ही है, मैंने की मेरी माने ना सुन, मोह पसंद ही हमें रहेंगे, पर चल तेरे मन को, तेरे मन को चल रहे हैं, इतने रुपया में ना मिलेगा, हकीकत चीज तू देख ली, यू कम भी कराएगा सर को जैसे लौटना, यू कम भी कराएगा, वैसे तेरा मन है, भाई का मन है, भाई ने कही तो कह दी करना करना, हाँ चलो भाई ने कही तो बर्थडे में रहेंगे, बर्थडे में, अच्छा बर्थडे में, बर्थडे में रहेंगे तो भाई एक दिन ऐसी वैन लेकर आएंगे, पूरा परिवार भर के लेकर आएंगे। वैसे तो हम दुआ सलाम करो, अच्छा तो है, देखो ये अच्छा वो तो मैं उसके सामने कह रहा था, वैसे वो खड़ा था ना बाहर, कभी पैसे को ना करे, चलो कोई नहीं देखते। चेकआउट भी हो गया है वॉशरूम, तो रूम देखते हैं। वाओ रिसेप्शन भी बहुत अच्छा है, पैसा लगा रखा भाई ने, हम 5 है जी स्टूडेंट, वैसे देखो बढ़िया रूम है, मतलब रूम क्या होटल, रिसेप्शन भी देखो अच्छा, मतलब हाँ वर्थ इट है, अगर यहाँ पे 100-200 रुपये फालतू भी होगा तो भी वर्थ इट है। नहीं मैं दिखा रहा हूँ, चल तो यहाँ तेने कहते तो यहीं मिलेंगे, और बता भाई रोहन ने कह दिया मिलेंगे यहीं मिलेंगे। हाँ अब सारी बात अटक गई रोहन भाई के मन पर, कि भाई रोहन का मन यहीं मान रहा, और विपुल भाई का भी मन कि नहीं इसी में लेना ऐसे कह चुके। बेस्ट तो बेस्ट यहीं लेंगे भाई, हैं पूरा भाई तो पढ़ा रहा हूँ मैं भी, विपुल भाई चलो कोई नहीं लेते हैं, उसमें फिर नहाते धोते भी यही लूंगा भाई, नहीं लेंगे यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, दूर से देख के पसंद कर लिया, यही में रहेंगे, कोई दिक्कत ना हो। चश्मा हटाऊंगा पता ना, ना मत हटा, बहुत बुरा लगा कि चश्मा हटाए गए, ओहो तो चलो ऐसी आंख बेकार थी, चलो कोई नहीं लेते हैं, अभी थोड़ी देर में तो प्यारी चेकआउट हो जाएगा रूम किसी का, तो फिर हमें मिल जाएगा, फिर रूम लेके आते हैं, बेड लग जाएंगे एक्स्ट्रा, दो बेड एक्स्ट्रा लगा के आएंगे, कोई दिक्कत ना। होटल रूम तो ये ले लिया है यहीं में, अभी हम चल रहे हैं अपने भाई से मिलने, हमारा भाई भी यहीं आया हुआ है, जेड ब्लैक समझ जाओ तुम कौन आया होगा, जेड ब्लैक शीशे गड्डी काली रखा रहे, वो खड़ी अपनी गाड़ी चले हैं मोड़ के गाड़ी वापस भाई के धोरे, इतना हमारा रूम रेडी हो जाएगा, अभी चेकआउट करा किसी ने तो रेडी होने में टाइम लगेगा 10-20 मिनट, तब तक हम मिल जाते भाई से, चलो अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, ओ अपने भाई से मिलने आए हैं, वो गाड़ी यू खड़ी, शीशे काले ने सरे आम घूमीदा हुंदिया गला रोज सुनीदा, भाई होटल यही है, ये वाला होटल है, अच्छा ये गाड़ी है, देखो अरे कैसे पड़े, आ जा रोहन, चलो जी चले मिले भाई से, चलो जी चलो, रेड पड़ रही है, रेड पड़ रही है काले शीशे वाली गाड़ी,
काली ऑडी उठनी चाहिए यहाँ सारी सारी जितनी भी खड़ी है, गाड़ी सीधी करो। चले भाई सागर भाई सुन लिए एक तो भाई सुन लिए है नशा से कैसे हो रहे हैं सोई बैठो भाई। ओके चलो तुम तो भाई पिस्टल विस्टल की बात चलिए भाई थोड़ा गलत ग्राउंड में आ गया। ठीक भाई चलो ठीक भाई राम राम चलो चलो कर कर चले जी अपना उरे अच्छा ठीक भाई चलो जी अपना चला है हमारा भी होटल इंतजार कर रहा हूँ दिल दिया और ऐसे ही करता रहेगा। चलो भाई तो हमारे बड़े भाई ने हमें रूम दे दिया है बड़े रूम में कोई बात नहीं थोड़ी बहुत देख जाएगी और यहाँ अपने एक और बेड लग जाएगा यही मजे से। ठीक है भाई ओके चल तो खुश रहे। चलो जी अपना रूम पेमेंट वेमेंट थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। तो अभी मैं अपना नहा लिया हूँ क्योंकि घर से नहा के नहाया। ठीक है जी तो अभी वो नहाने गए हैं विपुल उत्तम और रोहन भाई हमारे यहीं हैं ये अभी गाने चलाने का ट्राई कर रहे हैं यूट्यूब पे। कोई बात नहीं चलो और रूम देख लो जी कैसा है पूरा देखो जी रूम अपना क्या कह रहे भाई तगड़ा है ना। हाँ भाई तगड़ा पैसा अच्छी जगह पूछो। हाँ और बढ़िया और सबसे बड़ी चीज वॉशरूम में भी पंखा है भाई इतनी लग्जरी लाइफ रोहन ने तो कभी नहीं जी। चलो कोई ना तेरे वॉशरूम में है क्या पंखा तेरे में है। हाँ है कहाँ नए वाले में हंस रहा सच में। चलो कोई ना अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर शाम को चलेंगे। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ फिर पार्ट टू आएगा पार्ट टू देखना। जय बाबा की राम राम जी राधे राधे।